बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 उर्दू ए क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी बुक ओपन करें बच्चों। हम सबक नंबर 9 कर रहे थे खुश खुल की। सबक की रीडिंग हो गई थी, हमारे अल्फाज मानी भी हो गए थे पिछले लेक्चर में। अभी आप अपनी नोटबुक ओपन करें और हेडिंग दें सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, नेक मिजाज बड़ी बी जंगल क्यों गई? जवाब लिखें, नेक मिजाज बड़ी बी की बहू बहुत बदमिजाज और जबानदराज औरत थी। नेक मिजाज बड़ी बी अपनी बहू के इस रवैये से बहुत नाला थी, इसलिए वो घर छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। सवाल नंबर 2 है, बदमिजाज बड़ी बी की जंगल जाने की वजह क्या थी? जवाब लिखें, बदमिजाज बड़ी बी को जब नेक मिजाज बड़ी बी के जंगल जाने और वहां अशरफियों भरे थैले मिलने का इल्म हुआ तो वो भी अशरफियों की लालच में जंगल की तरफ जाने के लिए आमादा हो गई। सवाल नंबर 3 है हमारा, चारों मौसम खुश मिजाज बड़ी बी की किस तरह से की किस बात से मुतासिर हुए और उन्होंने बड़ी बी की क्या खिदमत की? चारों मौसम खुश मिजाज बड़ी बी की खुश इखलाकी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने बड़ी बी को एक एक अशरफियों से भरी थैली तोहफे में दे दी। अगला सवाल लिखें, बदमिजाज बड़ी बी के साथ मौसमों ने क्या सलूक किया और इस सलूक की वजह क्या थी? जवाब लिखें, बदमिजाज बड़ी बी चूंकि बात बात पर काट खाने को दौड़ती थी और हर वक्त इसकी जबान पर गालियां जारी रहती थी, जब वो अशरफियों की लालच में जंगल गई तो इसका सामना चारों मौसमों से हुआ। बड़ी बी ने हस्बे आदत चारों मौसमों को बुरा भला कहा और अपनी बदअखलाकी से पेश और बहुत बदअखलाकी से पेश आई, जिसकी वजह से चारों मौसमों ने इनके मुंह पर एक एक थपेड़ा रसीद किया और चले गए। अगला सवाल है, आपने इस कहानी से क्या पैगाम हासिल किया, वजाहत करें। इस कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है कि हम अगर अच्छे और अच्छे इखलाक और किरदार का मुजाहरा करेंगे तो हम हर एक को अपना ग्राविदा बना सकते हैं और हर चीज हासिल कर सकते हैं, जबकि इसके बरक्स अगर हम अच्छे इखलाक को अपनाने की बजाय बुरा रवैया इख्तियार करेंगे या बुरे इखलाक से दूसरों के साथ पेश आएंगे तो हम खातिर ख्वाह नतायज हासिल नहीं कर सकते और ना ही हम लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकते हैं। लिहाजा हमें अच्छा इखलाक अपनाना चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों के दिलों में अपना मकाम बना सकें और लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद करें। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 2 देखें, इस कहानी में जिन अल्फाज को आपने पहली बार पढ़ा है इनकी फहरिस्त मुरतब कीजिए, इनके मानी लुगत से तलाश करके लिखिए और इनमें से 5 को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है? आप लाइंस लगा लें,
एक खाने में अल्फाज मानी और फिर आगे जुमले। पहला अल्फाज है हमारे पास बालिश्त भर, इसका मानी है बहुत छोटे। जुमला बनाएं, सादानी बी ने परिस्तान में बालिश्त भर पौधे देखे। दूसरा लफ्ज है थपेड़ा, इसका मानी है तेज हवा का झोंका। जुमला है गर्मियों में गर्म लोह का थपेड़ा इंसान को बदहाल कर देता है। अगला लफ्ज है हमारे पास मत्तर, मानी है इसका खुशबूदार। जुमला है मौसम बहार ने समा को मुअत्तर कर रखा है। अगला अल्फाज है हमारे पास लताफत, मानी है इसका लज्जत। जुमला है ईद पर मुख्तलिफ इकसाम के खाने लताफत से भरे हुए होते हैं। अगला अल्फाज है हमारे पास हेओला, मानी है इसका तोधा। जुमला है सकर्दू में बर्फानी हेओला गिरने की वजह से बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए। इसके बाद सवाल नंबर 3 जो है वो आपने अपनी कॉपीज में खुद लिखना है, ठीक है। कहानी की दोनों खवातीन के किरदारों को मद्देनजर रखते हुए इनके सफाती हाल बनाइए। ये बुक के ऊपर ही आपने करना है, ठीक है। ये बुक के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, खुश इखलाक बड़ी बी और बद मिजाज बड़ी बी, ये मतलब 3-3 इनके पॉइंट लिखने हैं कि उनमें क्या क्या खूबियां या खामियां थी, ठीक है। ये बुक के ऊपर ही आपने करना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 में देखिए, कहानी पर तबसरा तहरीर कीजिए। यहाँ आपने लिखना है कहानी का खुलासा तहरीर कीजिए। कहानी का खुलासा लिखते हैं, इस कहानी में इंसानी रवैये के दो पहलुओं का जिक्र किया गया है। पहला पहलू इंसान का अच्छा रवैया यानी खुश इखलाकी। नंबर 2, दूसरा पहलू इंसान का बुरा रवैया यानी बद इखलाकी। अगर हम गौर से मुताला करें तो इस कहानी में दोनों पहलुओं को इंसानी रवैये के जरिए उजागर किया गया है। पहले पहलू यानी खुश इखलाकी को एक नेक मिजाज बड़ी बी के रवैये का बड़ी बी के रवैये के जुमन में जाहिर किया गया है। नेक मिजाज बड़ी बी जो के अपनी बद मिजाज और बद इखलाक बहू के रवैये से तंग आकर अपने घर को छोड़कर जंगल की तरफ चली जाती है और वहां पर उस बड़ी बी का चारों मौसमों से सामना होता है। खुश मिजाज बड़ी बी अपने अच्छे अखलाक से इन चारों मौसमों का दिल जीत लेती है और बदले में चारों मौसम नेक बड़ी बी को एक एक अशरफियों से भरी थैली तोहफे में देकर चले जाते हैं, जिनको पाकर नेक बड़ी बी बहुत खुश होती हैं। अब कहानी का दूसरा पहलू यानी बद इखलाकी। बद इखलाकी को एक बद मिजाज बड़ी बी के रवैये के जुमन में जाहिर किया गया है। बद मिजाज बड़ी बी बात बात पर काट खाने को दौड़ती हैं और हर वक्त इनकी जबान पर अंगारे रखे होते हैं। जब इस बदमिजाज बड़ी बी ने नेक मिजाज बड़ी बी के जंगल में जाने और अशरफियों की थैलियां मिलने का इल्म हुआ तो वो भी अशरफियों की लालच में जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में जब इसका सामना चारों मौसमों से हुआ
तो इस बदमिजाज बड़ी बी ने हस्ब आदत उनको बुरा वाला कहा और इनमें नुक्स निकालना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो चारों मौसम इस बदमिजाज बड़ी बी के मुंह पर तपेड़ा मारते हुए चले गए। इस तरह बदमिजाज बड़ी बी अपने रवैये की वजह से खाली हाथ मलते हुए घर लौट आई। इसके बाद बच्चों आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस कायदे को मद्देनजर रखते हुए अल्फाज की जमा बनाएं। वाहिद जमा दी हुई है, पहला है हमारे पास दरमियान में लाइन लगाएं, ऊपर लिखें वाहिद जमा काफिर कुफार हाजी हुजाज हातिम खुदाम काजिब कजाब ताजिर तजार फासिक फसोक हाजिर फजूर हाजिर हाजरीन जाहिद जुहदा हासिद हासदीन तालिब तुलबा। जी बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से कॉपीज में करना है, लिखना है और इसके साथ इन सवालात को और खुलासे को याद भी करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।